गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून बेटा. यस सुहानी, व्हाट इज डन इन स्कूल? मैम अभी तो फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है. फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है. ध्याना, आपकी स्कूल कब रीओपन हो रही है बेटा? यस मैम. When your school gets reopened? मैम स्कूल तो चल रही है ऑनलाइन. बुक्स नहीं मिली तो आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक कौन सी है? मैम एनसीईआरटी है. ये जो हम लोग करंट यूज करते हैं वो ही है ना? वो तो मैम पता नहीं, लेकिन वालों ने सिर्फ ऐसा बोला कि एनसीईआरटी है. यस मैम एनसीईआरटी है. Okay. आप जो करा रहे हो ना वो एनसीईआरटी है. और मैम आपने लास्ट में है ना सीट के जो टाइप्स होते हैं ना वो लिखवाया था, और आपने 13 पेज के बाद का रीड करने को बोला था. ओके तो आपने रीड किया था? यस मैम. यस मैम. ओके एक्टिविटी 2.3. मैम योर नेटवर्क इज स्लो. मैम योर नेटवर्क इज सो लो. नो मैम आपकी आवाज क्लियर आ रही है. ओके एक्टिविटी 2.3 रीड करो. सारा ध्याना आप रीड करो. ध्याना ध्याना मैम वो म्यूट हो गई है. अनम्यूट योरसेल्फ ध्याना. सौम्या आप रीड करो चलो. यस मैम. टेक टू टेस्ट ट्यूब, लेबल देम ए एंड बी. इन द टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस. इन द टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट फॉर 3 to 5 टाइम्स. एड 3-4 ml of water in both, then test tubes figure 2.4 in reach. 1 minute stop. See, इसमें क्या कहा है? We have to take 2 test tubes. In one we have to put boiled rice, and in another we have to put boiled rice after chewing. मतलब हमारा chew किए हुए rice थोड़े रखने हैं दोनों में. फिर चूइंग उसमें 3-4 ml ऑफ पानी डालना है टेस्ट ट्यूब में. अभी पानी के बाद ड्रॉपर से यू हैव टू टेक आयोडीन सॉल्यूशन एंड यू हैव टू ड्रॉप इन बोथ द टेस्ट ट्यूब. ओके व्हाई इज देयर नो चेंज इन द टेस्ट ट्यूब? डिस्कस द रिजल्ट्स विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर. मैं रीड कर रही हूँ. द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. इसलिए व्हेनेवर द फूड मिक्सेस विद द सलाइवा इट स्लाइटली टेस्ट स्वीटर. व्हाई? बिकॉज इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर. ओके नाउ द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ. यहाँ बकल कैविटी के यहाँ से टंग है हमको पता है. ओके इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन. We can move tongue in all direction except behind. Do you know the function of tongue? We all know tongue is used for tasting and it helps us for speaking too. बोलने के लिए भी tongue हमको help करती है. Diana left हो गई. यस मैम शायद से लेफ्ट हो गई.
वो क्यों लेफ्ट हो गई, मैं एक्सप्लेन कर रही हूं ना। ओके, बिसाइड्स इट मिक्सेस विद सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। देखो टंग हमको फूड को च्यू करने में भी हेल्प करते हैं, टेस्ट करने में भी हेल्प करती है, और बोलने में इट हेल्प्स अस इन स्पीकिंग टू। We also taste food with our tongue. It has taste buds. Tongue की यहाँ पे taste buds है, जो हमको हर एक different different types of taste का awareness देता है because of tongue. Wait. यहाँ पे है ही ओके नाउ और स्वीट से टूथ दिखे पड़ो। चलो सौम्य। यस मैम। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ but they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids. See Chapter 5 to know what an acid is. The acid gradually damage the teeth. This is called tooth decay. If it is not treated in time, it causes several toothache and in extreme cases result in tooth loss. Chocolate, sweets, soft drinks and other sugar products are the major culprits of tooth decay. Therefore, one should clean the teeth with a brush or bathroom and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth and take out trap food particles. Come here, reading practice rakho beta. Yes ma'am. At least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. What is tooth decay? Suhani, tooth decay means what? Ma'am, दांत सड़ जाने को tooth decay बोलते हैं। Yes. हम देखो बचपन से हम आपने भी पढ़ा सुना होगा, मम्मी भी कहती होगी, स्कूल में भी मैम बोलते होंगे कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। यू हैव टू एवरी डे ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। नाइट में ब्रश करने की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि पूरा दिन हमने जो खाया होता है, स्वीट्स और सॉल्टी के कुछ भी हो, तो थोड़े भी बहुत जम्स हो तो हम लोग ब्रश करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। दूसरा कि वो उसकी वजह से बैड स्मेल भी नहीं आएगी हमारे मुंह में। ओके
खाने के बाद जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते वो नहीं हो सकते. The acid gradually damage the teeth and the tooth decay if it is not treated in time. अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो आपके सारे दांत सड़ जाएंगे. ओके एंड आपको टूथ एक टीथ का पेन भी हो जाएगा. ओके बाकी तो इन्फॉर्मेशन ही है. सुहानी ये पेज का ब्लू बॉक्स रीड करो. मैम पर तो मेरे पास तो है ही नहीं चैप्टर का. हाँ सॉरी. हाँ देरे आप पढ़ो. यस मैम. मैम पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 15. यस मैम. जो अजीत वाटू बाकी जो मैम 2 मिनट. पढ़ो. यस मैम. मैम एक्टिविटी 2.4. यू हैव टू रीड दीज. ओके मैम. समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हर्री टॉक और लाफ while eating you may get hiccups or a choking. Hiccups मतलब आपको जो हिचकी आती है ना वो. Yes ma'am. Or a choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe. The windpipe carries air from the nostrils to the lungs. Its lungs adjacent to the food pipe, but inside the throat, air and food share a common passage. Then how is food prevented from entering the windpipe during the act of swallowing a flap like valve close the passage of the windpipe and guides the food into food pipes. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups or cough. Okay, देखो अभी कभी कभी आप जल्दी जल्दी में खा जाते अपना कुछ खा लेते हो या हंसते हंसते अगर आपने कुछ खाया या पानी पिया तो तुरंत आपको हिकअप्स आने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर आपको गले में कुछ फंस गया हो. चोकिंग सेंसेशन इज कुछ फंसना. तो दीज हैपेंस ऐसा क्यों होता है? तो दीज हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर. सी हियर वी हैव फूड पाइप एंड विंड पाइप बोथ टुगेदर. ओके तो कभी कभी फूड पाइप की जगह अगर खाना विंड पाइप में चला जाता है देन सडन यू विल गेट स्टार्ट हिकअप्स और यू विल फील चोकिंग सेंसेशन. The windpipe carries air from, what is the function of windpipe? It carries air from the nose to lungs. It runs adjacent. Adjacent मतलब food pipe के एकदम बाजू में होता है windpipe. But inside the throat, air and food share a common passage. Then how is food prevented from entering the pipe? कैसे? So due to the act of swallowing of flap like valve close the passage of windpipe. विंड पाइप में खाना ना चली जाए इसकी वजह से उसके लिए वहां यहाँ वाल है जो क्लोज हो जाता है ताकि खाना अंदर ना जा सके. और अगर बाय चांस गया है विंड पाइप में तो तुरंत हमको हिकअप्स हिचकी आनी स्टार्ट हो जाती है. ओके टिल हियर क्लियर एवरीवन? नो मैम. व्हाट बेटा बोलो क्या नहीं समझ में आया? मैम अगर अंदर विंड पाइप के अंदर ऐसे चला जाता है तो फिर बाहर नहीं निकलता. मतलब देखो हमको खांसी आ जाती है
खांसी से बाहर निकल जाता है, या फिर बार बार अगर थोड़ा चला गया तो हमको हिकअप्स आती है, तो वो पानी पीने से बैठ जाता है, लेकिन जनरली खांसी आ जाती है और वो बाहर निकल ही जाता है। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। ओके पर मैम, विंड पाइप की जो वो है, होती है ना वो एरो जैसा, वो खुल बंद नहीं होता? यस बेटा, वाल्व होता है, वाल्व होता है, तो जब फूड पाइप में फूड पास होता है तब वो बंद हो जाता है, ताकि फूड अंदर एंटर ना हो सके। ओके कम ऑन, अभी एक्टिविटी 2.4। मन में रीड करो ये एक्टिविटी और फिर मुझे बताओ इसमें क्या बोला है। एवरीवन रीड। सुहानी, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है आप उसमें से रीड करो बेटा, ऐसे बैठ के टाइम मत वेस्ट करो। सुहानी, द टेक्स्ट बुक विच यू हैव, रीड फ्रॉम दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम। सुहानी, डोंट वेस्ट योर टाइम बेटा। मैम सुहानी तो लेफ्ट हो गई है, वो वापस आ जाएगी। Diana, you there? Yes, ma'am. Okay. देखो, नाउ फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड इसोफेगस, ओ इसो पे, ओ इज साइलेंट सो इट इज स्पेल्ड एज इसोफेगस। फूड पाइप को इसोफेगस भी कहा गया है। द स्वेलोर फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट। फूड पाइप यहाँ नेक से चेस्ट तक है। The food is passed down by movement of wall of food pipe. Food यहाँ पे pass होता है food pipe की help से। See, this is the movement, peristalsis. इस तरह यहाँ सेंटर होता है और ऐसे मूवमेंट से पास होता है। देखो, दिखाई दे रहा है आपको? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ तो रीड, ये जो ये लिखा है ना ये रीड करो। मैम सिर्फ फिगर ही दिख रही है, वर्ड्स नहीं दिख रहे। वर्ड्स में ऐसा लिखा है,
ये जो ऊपर लिखा है ना वो गलत है, GULLET गलत लिखा है। फिर नीचे लिखा है मसल कॉन्ट्रैक्टिंग, जब हम खाते हैं तो ऐसे ऐसे करेंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स होंगे। फिर बॉल ऑफ फूड, जो हम कौड़िया बोलते हैं गुजराती में उसको बोलस बोलते हैं, BOLUS। आप अगर यहाँ हाथ भी रखोगे तो आपको ऐसा फील होगा, वाइब्रेशन जैसा फील होगा और zigzag मूवमेंट से फूड अंदर एंटर होता है। ओके देखो फिगर 2.7 टेक्स्ट बुक में भी दिया है, मूवमेंट ऑफ फूड इन ईसोफेगस ऑफ एलिमेंट्री कैनल। डेरिया रीड करो। डेरिया रीड करो। यस मैम, मैम पेज नंबर 16 में। यस पेज नंबर 16 में फूड इज पुश डाउन से रीड करो। मैम ये फूड एंड मेक्स द मीडियम। यस देखो। Yes, ma'am. And the chest food is pushed down by movement of the wall of the food pie. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. At times, the food is not accepted by your stomach and is vomited out. Recall the intentions when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teachers. Ma'am, the stomach read karu? Nahi, pehle ye main explain kar du. Dekho, yes, food is pushed down by movement of wall of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the pure alimentary canal mein. ये मूवमेंट चलती है एलिमेंट्री कैनल में, माउथ टू एनस तक पूरा, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना। सी इन दिस फिगर दिस होल ऑल पार्ट्स फ्रॉम हियर टिल हियर, दिस इज ऑल एलिमेंट्री कैनल। इसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। ओके सो एक्चुअली द मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। जैसे जैसे ऐसे ऐसे होता है, फूड डाउन होता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर बॉडी एंड इज वॉमिटेड आउट। अगर फूड हमने ऐसा खाया जो हेल्दी नहीं है या रॉन्ग टाइम में खाया, ओके सो अवर स्टमक विल नॉट एक्सेप्ट द फूड एंड इट विल throw it out in the form of vomit. Recall the instances when you vomited after eating and drinking of a reason. Kabhi kabhi food poisoning ho jata hai, kabhi kabhi gas ho jata hai body mein, to vomiting hoti hai na. Yes or no? Yes or no? Yes ma'am. Pani kyun left ho gayi? ओके द स्टमक रीड करो सौम्य। यस मैम, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटर्ड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। इट रिवाइव्स फूड फ्रॉम द food pipes at one and opens into the small intestine at the other, the inner lining of the stomach. The inner lining. Lining of the stomach secretes manganese, hydrolic acid and digestive juices. The muscle protects
the lining of the stomach, the acid kills, hydrolic acid kills many bacteria that enter along with the food, makes the medium in the stomach acidic and help the digestive juices to act. The digestive juices break down the protein into simpler substance. Well, I have to read small intestine. No, पहले मैं ये explain कर दूँ ना फिर. Okay ma'am. What now? Very small intestine. बोलो very small intestine. Ma'am, in between the long and large intestine. ये आगे जो 2.2 figure है उसमें भी आपको दिख जाएगा कि very small intestine. Okay? Okay. Yes. See, अभी क्या है? Stomach क्या है? Thick walled of bag है जिसका J shape है, जो widest part मतलब broadest part है alimentary canal के, बाकी सब छोटे छोटे. See, small intestine is length में long है, लेकिन वैसे वो वाइड नहीं है, ब्रॉड नहीं है. पूरे एलिमेंट्री कैनाल का ये अकेला स्टमक जो है वो वाइडेस्ट पार्ट है. ओके, ये पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना उसमें स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट. ओके, It receives food from the food pipe at one end and opens it the small intestine in another end. The inner lining of small stomach secretes mucus. अभी stomach के अंदर पतली पतली छोटी छोटी lining है, तो वो क्या है, सीक्रेटिव डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या है कि फूड को डाइजेस्ट होने में इजी पड़े. द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. ये सारी चीजें स्टमक बनाता है ताकि फूड जब उसके हमारे स्टमक पे एंटर हो तो ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होकर फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो. Is that clear? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now, the inner lining of stomach secretes mucus, hydrochloric acid, and digestive juices. The mucus protects the lining of the stomach. Mucus जो होता है, lining of the stomach की ये जो lining है, उसको protect करती है. The acid kills. एसिड जो होता है स्टमक में वो दूसरे जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया अगर आ गए हैं भूल से तो उसको मार के हमें प्रोटेक्ट करता है. द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन. डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन है उसको हम जो भी प्रोटीन वाला खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. इज दैट क्लियर? ध्यान है अपना वीडियो क्यों ऑफ है? अभी चलो स्मॉल इंटेस्टाइन रीड करो. स्मॉल इंटेस्टाइन रीड करो. पेज नंबर 16, आर यू पेइंग अटेंशन? आप अटेंशन नहीं दे रहे हो. याना आंसर रिप्लाई दो. यस मैम. हाँ तो बोलो, चलो रीडिंग चालू करो. पर मैम मेरे पास पता नहीं है मैं कैसे रीड करूं. अरे मैंने उस दिन भी बोला था कि जब तक टेक्स्ट बुक नहीं आती आप
पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ध्याना, गूगल में भी मिल जाएगी, जैसे मैंने फर्स्ट वाली डाउनलोड करके भेजी थी। तो खाली लेसन टू अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी लेसन टू। समय रीड करो आप, नहीं समय अभी आपने रीड किया ना, धैर्य आप रीड करो। यस मैम, आप रीड करो। द स्मॉल इंसेक्टाइ इज हेविली कॉलिड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। इट्स रिवाइज इट रिसीव फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रीज बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट्स जूस। ए मारा वगर चालू कर दी तू। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन सिलियटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सेल कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। The bile plays an important role in the digestion of fat. The pancreas is the large cream colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats, and proteins. It changes them into simpler forms. मैम आगे लर्न करूं? ओके नहीं, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। यस मैम। सी इसमें क्या है, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन वो हाईली कॉइल है। कॉइल है मतलब ऐसा जिगजैग किया हुआ, जैसे एक लंबा सा थ्रेड है उसको हम ऐसे फोल्ड फोल्ड करके रखते हैं ना, वैसे 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7.5 मीटर लॉन्ग बट इट इज हाईली कॉइल। See, you can see here in this picture. देखो ये बीच में जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे कॉइल की हुई है। ओके सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास। देखो हमारी बुक में दिया है कि नहीं दिया। सी ये हमारी बुक में पेज 2.2 निकालो, अरे पेज 12 में फिगर 2.2 निकालो। मैम ये वाली, हाँ इसमें लीवर देखो, ये रहा ऊपर ऊपर, ये रहा लीवर ऊपर लिखा हुआ है बेटा। हाँ लीवर है, फिर गॉल ब्लैडर है, फिर नीचे पेंक्रियास है। ओके ये तीनों में से जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो सारे कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके सो इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेंक्रियास बिसाइड्स इट्स वॉल्स आल्सो सीक्रेट जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है वो भी जूस सीक्रेट करते हैं। द लीवर इज रेडिश ब्राउन gland situated in the liver is reddish brown gland situated in the upper part of abdomen। liver देखो brown color का है, figure में भी दिखेगा। ये देखो मेरे पास ये जो है ना इसमें देखो आपको ये liver दिख रहा है brown color का एकदम clear। धैर्य ध्याना सौम्य दिख रहा है liver? Yes ma'am। This is the liver. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The liver is reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. हमारी body के right side के part में liver है. It is largest gland in our body. It is not organ. It is gland. Organ जैसा होता है लेकिन उसको organ नहीं कहा गया है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में
organs को support करते हैं digestion करने में. Is that clear? So ये underline कर दो. It is the largest gland in our body. अगर आपको fill in the blanks पूछे, dash is the largest gland of our body, तो आपको क्या बोलना है? Liver. Okay? It secretes. अभी secretes का meaning लिख दो textbook में ऊपर. Secret लिखो, फिर dash लिखो, फिर लिखो meaning उसका. To release मतलब वो बना के छोड़े ना. लीवर जो है वो बाइल जूस बनाते हैं, तो सीक्रेट का मीनिंग टू रिलीज. आर ई एल ई एस ई. ध्याना यू ऑल्सो राइट. और वीडियो क्यों ऑफ रखते हो आप धैर्य और ध्याना? मैम मैं वीडियो ऑन रखती हूँ तो आपका आवाज क्लियर नहीं आता. ध्याना आपका वीडियो क्यों ऑफ है? मैम मैं नहीं बोला, मैं आपका वीडियो ऑन रख, मतलब मेरा वीडियो ऑन रखते हैं आपका आवाज नहीं आता. It secretes bile juice that is stored in the sac called gall bladder. देखो लीवर के नीचे gall bladder है, इस बुक में भी आपको दिखेगा. This is gall bladder. इसमें ग्रीन कलर का छोटा है लीवर के नीचे दिख रहा है. Yes, ma'am. It secretes bile juice that is stored in a sac called gallbladder. The bile plays an important role. देखो, digestion के वक्त हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे कि fats है, फैट्स को डाइजेस्ट करने में बाइल जूस, जो लीवर बाइल जूस बनाता है उसको डाइजेशन में उससे हेल्प मिलती है फैट्स को डाइजेस्ट करने में. इज दैट क्लियर? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यहाँ तक मैंने जो एक्सप्लेन किया वो समझ में आया आप तीनों को? यस मैम. डेरिया मैम आपने जो बोला ना कि सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी में, वो कहाँ पे लिखा है? वो कहाँ पे लिखा है? देखो द स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसपे सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, फर्स्ट नहीं थर्ड लाइन, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द एब्डोमन, वो वाला पैराग्राफ में ही है. पढ़ो आप तो पता चल जाएगा. यस मैम. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. यस ओके. धैर्य. यस मैम. मैंने अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एक्सप्लेन किया आप रिपीट करो ना बेटा, मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया. यस मैम. मैम स्मॉल इंटेस्टाइन वो हमारे बॉडी में एक होता है इधर मेन में, और वो इट इज बिलो स्टमक, स्टमक के नीचे है. यस मैम. बस इतना ही समझ पड़ा दे रही हूँ. ध्याना. ध्याना कितना समझ में आया बोलो तो, मैंने जो एक्सप्लेन किया उसमें. मैम मैं बोलूँ? बोलो धैर्य. यस मैम. स्मॉल इंटेस्टाइन्स वो 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, और वो लीवर के नीचे होता है, और स्टमक के नीचे,
और वो 7.5 इतना लंबा होता है, लेकिन इतना लंबा तो इतनी डाइजेस्टिव ट्रैक में आ नहीं सकता, इसलिए उसको ऐसे zigzag करके कॉइल करके प्लेस किया हुआ है. ओके यस मैम. आगे बोलो. यस मैम. वो हमारे ऊपर पार्ट में होता है और वो राइट साइड होता है और मैम वो और वो हमारे बॉडी में सबसे लार्ज होता है. आप समझे नहीं हो बराबर, मैं फिर से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सप्लेन करती हूँ और स्टमक भी फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ध्यान है, यू आल्सो पे अटेंशन. यस मैम. यस मैम. सेकंड पैराग्राफ में पैराग्राफ से रीड करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे क्या है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस. स्टमक में ये तीन चीजें बनती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, डाइजेस्टिव जूस बनता है और म्यूकस बनता है. ओके अभी ये तीन चीज बन, ये क्यों बनती है हमारी स्टमक में, ये इसके फंक्शन दिए हैं यहाँ पे. द म्यूकस जो होता है वो स्टमक की अंदर की जो लाइनिंग होती है, जैसे हमारी नर्व्स में छोटी छोटी दूसरी नर्व्स होती है वैसे स्टमक में थिन लाइनिंग होती है, तो म्यूकस उसको हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए. फिर एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी में जो दूसरे हमने फूड अगर खाया, कोई अनवांटेड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गए तो एसिड उसको स्टमक को वो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है. ओके और डाइजेस्टिव जूसेस जो होता है वो प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. इज दैट क्लियर? स्टमक का अभी पता चल गया? यस मैम. यस मैम. यस और नो? यस मैम. यस मैम. अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. देखो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड अबाउट 7.5 मीटर. बहुत लंबी होती है लेकिन एलिमेंट्री कैनाल इतना होता है तो उसमें तो 7.5 मीटर नहीं प्लेस हो सकता, इसलिए उसको ऐसे कॉइल करके रखते हैं ताकि वो अच्छे से प्लेस हो जाए. नाम है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन इसकी लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है. कीप दैट इन माइंड. लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर है और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7.5 मीटर है. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस यस. अब ये माइंड में डाल देना, अब अगर मैं पूछूं तो आपको आना चाहिए. ओके यस मैम. इट रिसीव्स अ सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियास. बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सीक्रेट जूसेस. सीक्रेट्स मींस टू रिलीज. मैंने आपको लिखवाया ना, सीक्रेट मींस टू रिलीज. ध्याना आर यू लिसनिंग? यस मैम. ओके नाउ अभी लीवर. लीवर एक ग्लैंड है, इट इज नॉट एन ऑर्गन, इट इज ग्लैंड बट इट फंक्शंस लाइक एन ऑर्गन. इट सपोर्ट्स ऑर्गन टू डाइजेस्ट द फूड. सो द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन के ऊपर होता है, स्टमक के ऊपर ऑन द राइट साइड. लीवर जो है वो राइट साइड होता है. कीप दिस इन माइंड. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. फिर लीवर कौन सा जूस बनाता है? इट सीक्रेट्स विच जूस? बाइल जूस. बाइल जूस जो होते हैं, हमने जो भी फैट वाला खाना खाया हो तो उसको डाइजेस्ट होने में बाइल जूस बहुत हेल्प करता है. ओके अभी जो लीवर है यहाँ पे इन दिस पिक्चर यू कैन सी, सी दिस इज लीवर एंड नीचे ग्रीन कलर का है गॉल ब्लैडर. तो ये जो लीवर बाइल जूस बनाता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, बन के गॉल ब्लैडर में ये जूस स्टोर होता है. और जब हम कोई भी फैट्स वाला खाना खाते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. इज दैट क्लियर? यस मैम. यस मैम.
Yes, ma'am. Okay. Samya, read. मैम ये नीचे ब्लू वाला बॉक्स है वो नहीं नहीं उसके ऊपर पैंक्रियाज वाला रीड करो यस मैम द पैंक्रियाज इज अ लार्जर क्रेमेन कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक द पार्टिस्टिक जूसेस अटैक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म अभी देखो फिगर 2.2 में स्टमक के नीचे पेनक्रियास दिया है यहाँ पे सबको दिख रहा है यस मैम तो पेनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड पेनक्रियास भी ग्लैंड है वो ऑर्गन नहीं है जो स्टमक के जस्ट नीचे है ओके अभी ये जो पेंक्रियाज होते हैं वो पेंक्रियाटिक जूस बनाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स और वो सब डाइजेशन के वक्त उसको हेल्प करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इज दैट क्लियर यस मैम यस मैम यस मैम ओके दूसरा पेज रीड करो मैं रीड करूं हाँ स्वामी आप ही रीड करो द पार्टीली डाइजेस्ट फूड नाउ रीच सॉरी मैम तो इधर मैम ये ब्लू वाला रीड करना रह गया है वो रीड करो ये वाला ही रीड करो ब्लू वाला बाद में करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यू है ओके मैम द पार्टीली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर such as glucose fat into fatty acid and glycolic glycerol and proteins into amino acid matlab dekho ye samjho properly the partly dekho stomach mein pura khana digest nahi hota wahan thoda hi khana digest hota hai fir baki ka jo hota hai wo small intestine mein jaake digest hota hai khana ओके इसीलिए यहाँ बोला है द पार्टली डाइजेस्टेड फूड रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक में से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो जूसेस बनाते हैं उसके साथ मिक्स होगा जैसे हमारे मुंह में सलाइवा के साथ फूड मिक्स होता है ओके वैसे स्टमक में भी डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं उसके साथ फूड को मिक्स करके डाइजेशन वहां कंप्लीट होता है इज दैट क्लियर यस मैम ओके सो द कार्बोहाइड्रेट्स अभी देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पूरा हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है तो कौन सा खाना किस में कन्वर्ट होता है जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड लिए जैसे कि राइस ब्रेड वो सब हमने खाया तो गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर एज ग्लूकोज वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा फिर जैसे हमने फैट्स वाला खाना खाया जैसे कि ऑयल बटर घी चीज तो दैट विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ओके और जैसे कि हमने प्रोटीन वाला पल्सीज और दाल खाई तो वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा और ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है इज दैट क्लियर यस मैम पर एनोमो मींस एनोमो एसिड अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में बनता है डाइजेशन के वक्त वो कन्वर्ट होता है प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है ओके ओके गॉट इट यस मैम समझ में आया यस हाँ यस मैम
रहे आपकी स्कूल में क्या अभी एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन वाला ही ना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, तब तक धैर्य आपकी स्कूल में क्या करवाया आगे बेटा? मैम अभी कुछ नहीं करवाते हैं। क्यों मैम? आज करवाया, आज लेक्चर था पर आज वो फर्स्ट चैप्टर नहीं था हमारा न्यूट्रिएंट्स वाला। हाँ उसमें थोड़ा समझाया। ओके और सौम्य आपकी स्कूल में? मैम आज तो कुछ नहीं चला है, आज सबको बोला है कि टेक्स्ट बुक लेके रखना, कल से स्टार्ट करेंगे। ओके और ध्याना तो लीव हो गई लगता है। ध्याना और सुहानी दोनों लीव हो गई। एक्सप्लेनेशन चलता है और ये लोग लीव हो जाते तो फिर कैसे पता चलेगा? ओके अभी से आगे का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, लेकिन यहाँ तक जो मैंने करवाया है आप नेक्स्ट लेक्चर में फिर से चैप्टर रीड करके आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो अंडरलाइन करके रखना, मैं आपको सैटरडे के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आपको जो जो वर्ड्स या मीनिंग कुछ समझ yes. में नहीं आया तो। यस यस मैम। ओके देन विल लीव, बाय बाय मैम।